राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए एक राहत भरी खबर है। कोरोना के कारण जहां छात्रों को अब 2 घंटे का ही पेपर देना होगा, तो वहीं सिर्फ 60% प्रश्न पत्र ही हल करना होगा। शिक्षा विभाग के गाइडलाइन के बाद अब राजस्थान यूनिवर्सिटी ने परीक्षाएं कराने की तैयारियां शुरू कर दी है। यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर और एनुअल परीक्षाओं के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इन निर्देशों के अनुसार यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में पेपर के कुल पूर्णांक में से सिर्फ 60% अंकों के प्रश्न ही हल करने होंगे। परीक्षक की ओर से मूल्यांकित किए गए 60% प्रश्नों के अंक को 100% में परिवर्तित करते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन रिजल्ट जारी करेगा। जैसे अधिकतम अंक सीमा 100 है तो संशोधित अंक सीमा 60, अधिकतम 80 है तो संशोधित 48 और अधिकतम 50 होने पर संशोधित अंक सीमा 30 अंक होगी। इसके अलावा कोरोना से पहले पेपर के लिए जहां 3 घंटे का समय मिलता था, इस बार भी पेपर 2 घंटे में करना होगा। हालांकि पेपर में यूनिट के हिसाब से प्रश्न हल करने की बाध्यता नहीं होगी। शिक्षा विभाग ने प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटीज को सुझाव भेजे थे। इनके अनुसार प्रायोगिक परीक्षाएं, नॉन कॉलेजिएट और डिप्लोमा की परीक्षाएं 15 अप्रैल से, रेगुलर स्टूडेंट्स की परीक्षाएं 15 मई से शुरू की जा सकती हैं। फाइनल ईयर की परीक्षाएं इससे पहले हों। फाइनल का रिजल्ट भी 31 जुलाई तक जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में पीजी थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। वहीं अन्य परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए और अधिक सेंटर बनाए जाएंगे, तो वहीं यूनिवर्सिटी ने पिछले साल वाले सेंटरों को आवेदन करने का निर्देश जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज़।